हेलो एवरीबॉडी, आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ऑटोक्लेविंग कैसे की जाती है। ऑटोक्लेव को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑटोक्लेव है, मैंने पहले भी ऑटोक्लेव का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ऑटोक्लेव का, जिसमें आप देख सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बाकी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। कल मैंने आपको एक रैपिंग वाली वीडियो भी अपलोड की थी आप सभी के लिए। आप वो भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपरली बैटरी प्लेट को कैसे रैप किया जाता है वो पता चल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमारी बैटरी प्लेट है जो हमें ऑटोक्लेव करनी है। इन पर हम मार्कर की हेल्प से क्या करेंगे, यस मार्क कर देंगे, जैसे कि आज की डेट जो भी है। ए बी सी वो हम इस पर लिख देंगे। और क्या करेंगे, इसको रख देंगे किस में, ऑटोक्लेव में। उससे पहले एक और चीज़ मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि हम नीचे आप हीटिंग रोड देख सकते हैं। जब मैंने ऑटोक्लेव वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें इजीली बहुत ही इजी तरीके से इस बास्केट को निकाल के दिखाया था कि कितना लेवल हमें सेट करना होता है वाटर का। आज इसमें वाटर भी फील्ड है। जो नीचे हीटिंग रोड आप देख पा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली यस कवर होनी चाहिए, लेकिन बास्केट से उसका लेवल हमेशा क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए वाटर का। तो अभी मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेस कर रही हूँ अपनी पैटरी डिशेस। जो हमारा मीडिया है देन, मीडिया आप देख पा रहे हैं, मीडिया को मैंने कैसे किया है, यस इसको एल्युमिनियम फॉयल से, जो हमने कॉटन प्लग बनाया था इसका, उसके ऊपर क्या कर दिया है, यस हमने एल्युमिनियम फॉयल लगा दी है। जल्दी ही मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम क्या बताएंगे, मीडिया के बारे में बताएंगे। कि मीडिया कैसे बनाते हैं। देन ये देखिए, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। मैं अपने टेस्ट ट्यूब्स को क्या कर रही हूँ, यस एक बीकर में रख के मैंने क्या किया है, इन पर एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया है। एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया है तो क्या हो रहा है ना, ये इसको अच्छे से टाइटली रैप कर देंगे। और इन पे भी आज की डेट हम मेंशन कर देंगे जो भी होगी, ए बी सी, ठीक है। सपोज अगर आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी, ठीक है। तो यस मैंने क्या किया है, इसको भी यहाँ पे रख दिया है। एंड देन अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है जो हमने रैप किया था, अपना ग्लास स्प्रेडर। एंड देन रोड्स अपनी, ग्लास रोड्स हैं ये। इसको ध्यान से रखना है क्योंकि बास्केट है ना, इसमें से ये नीचे चला जाता है कभी कभी, तो इसको बहुत ध्यान से रखें। तो ये आप देख रहे हैं मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लेस कर दिया है अपने ऑटोक्लेव में। तो अब क्या करना है, ये आप नीचे इधर देख सकते हैं। तो अभी ये प्रेस करने के बाद, क्या करना है हमें, ये सब कुछ प्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, ये प्रेस करना है। ये देख रहे हो, उसके प्रेस करने से क्या होगा, ये हमारा यस हमारा ऊपर उठ जाएगा, और जब हम इसको इसको छोड़ते हैं नीचे से तो ये अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखिए आप इधर देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये वाला आर्म दिया है और ये 3 आर्म्स दिए हैं इसमें, ठीक है। हमें इनको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले लूज़ करना होगा। लूज़ करने के बाद ये देखिए आप, ये हिल पा रहे हैं ना, इसको थोड़ा हमें क्या करना है, जब हम ये वाले आर्म को क्या करेंगे, इधर लाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये नोज़ल यहाँ पे चले गए हैं, इनको हमें टाइट करना है इस वाले आर्म से। तो क्या होगा, ये जो आर्म होंगे ये प्रॉपरली टाइट हो गए हैं आप देख रहे हैं, और इसमें क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से बाहर निकले हुए हैं, देख पा रहे हैं ना आप सभी लोग, ये बाहर निकले हुए हैं, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं आर्म। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा ऑटोक्लेव है वो सही से बंद हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से स्टीम निकलती है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टीम को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद रखेंगे, ठीक है, जिससे प्रेशर अंदर जनरेट होगा। और नीचे ये वॉल्व जो दी है वो किसके लिए दी है, ये टैप दी है, ये वाटर के लिए दी गई है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अपना स्विच ऑन करना है, मेन स्विच। एंड देन आप देख सकते हैं एक स्विच क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ये येलो लाइट ऑन हो जाएगी। और अब क्या होगा, इसमें स्टीम जनरेट होना शुरू होगी। स्टीम जनरेट होने के बाद यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये प्रेशर शो कर रहा है। धीरे 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 जब प्रेशर किस पे चला जाएगा, 15 पे चला जाएगा। 15 पे प्रेशर जाने के बाद क्या होगा हमारा, यस हमें क्या वेट करना है, 3 विसल्स का वेट करना है।
जब थ्री विसल्स आएंगी, आपको हल्की हल्की शायद से ऑटोक्लेव की आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि अंदर प्रेशर बनना शुरू हो गया है, तो भी क्या होगा, जब ये थ्री विसल्स आएंगी तो हमें क्या कर देना है, ऑटोक्लेव को बंद कर देना है। तो धीरे धीरे अभी ये जीरो पे है प्रेशर, ये धीरे धीरे किस पे जाएगा, 15 पे जाना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑटोक्लेविंग। जब थ्री कट्स आ जाएंगे हम इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ओके, बहुत ही इजी वीडियो है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।